नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है और आज आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी जानकारी भी आपको बताऊंगा। वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर ग्राम सेवक के 5160 पदों पर भर्ती होगी क्योंकि नई पंचायतें बनी है अभी, इसी कारण यहाँ पर यह बड़ा अपडेट आया है क्योंकि पंचायतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नई पंचायतों में ग्राम सेवक की भर्ती की। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये प्रेस नोट डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से करना होगा, सारी जानकारी आपको वीडियो में बताऊँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं PDF का। चलिए देखते हैं जानकारी। तो पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देखते हैं, सीरियल नंबर एक, यहाँ पर देखिएगा फाइल नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है फाइल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है अनाउंसमेंट पैरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिखा क्या लिखा हुआ है देखिएगा। प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग द्वारा क्या है 5160 पदों पर भर्ती की जाएगी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 5160 पदों पर भर्ती की जाएगी। चलिए और क्या जानकारी है यहाँ पर, ये यहाँ पर बजट देख सकते हो आप सारा यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, ये बहुत ही बड़ी जानकारी है। यहाँ पर जानकारी आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्या जानकारी है, जानकारी देखिए। विकास अधिकारी के 47 पदों हेतु अभ्यर्थना कार्य विभाग प्रेषित, जिसकी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो 47 पद है विकास अधिकारी के, वो कौन लेगा, RPSC लेगा। कौन लेगा दोस्तों, इसको RPSC लेगा। और कनिष्ठ अभ्यर्थता के, जो कनिष्ठ अभ्यर्थता है उसके 2100 लेखा सहायक और 900 पद वित्त विभाग द्वारा 2017 की से ही क्या है यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। वित्त विभाग द्वारा इनका कार्यात्मक औषधित्य एवं वेग नरेगा प्रशासनिक मद से किया जा सकता है। यानी कि अभी नरेगा भी चल रही है, बहुत ही जरूरी है ये वैकेंसी नरेगा में। सचिन पायलट ने कहा है कि हम कमी नहीं आने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नरेगा में, इस कारण ये भर्ती बहुत जरूरी है। या नहीं के बारे में जानकारी चाहने पर नरेगा द्वारा अवगत कराया कि उनके प्रशासनिक पद में राशि उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ दोस्तों मद में राशि उपलब्ध नहीं है, पत्रावली द्वितीय विभाग की में प्रक्रियाधीन है। आगे जानकारी लिखी हुई है, राज्य की जिला परिषदों में अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में ग्राम अधिकारियों के रिक्त 2140 पदों पर भर्ती हेतु रिक्त विभाग एवं कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त हो चुकी है। कार्मिक विभाग द्वारा आरक्षण के संबंध में दिनांक 16/1/2020 को जारी परिपत्र में क्रम में जिला प्राप्त सूचना के आधार पर वर्गाकार पदों का मिलान किया जाकर वर्गाकार रिक्तियों के आरक्षण निर्धारित एवं अनुमोदन हेतु पत्रावली कार्य विभाग को 31/1/2020 को प्रेषित की गई है। बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, आरक्षण के लिए यहाँ पर 16/1/2020 को जारी किया गया था परिपत्र, उसके बाद दिनांक यहाँ पर देख सकते हो प्रेषित की गई है। अब दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, प्रेस नोट जारी हो जाएगा। और आपको इसका सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, उसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो में बता देता हूँ कहाँ से देखना है आप लोगों को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर YouTube में सर्च करना है क्या, ग्राम सेवक सिलेबस, क्या करोगे, ग्राम सेवक सिलेबस सर्च करते हैं, आपको तीसरे नंबर पे ऐसे कुछ वीडियो मिलेगी। ये देखिएगा यहाँ पर राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2019, तो ये 2019 में पहले जब मैंने डाला था तब ये सिलेबस पुराना ही सिलेबस रहेगा आपका, पूरा सिलेबस डिटेल के माध्यम से आपको मिलेगा। 11,000 विद्यार्थी ने यहाँ देख रखा है। स्टडी आई को अकेडमी डाल सकते हो यहाँ पर ग्राम सेवक सिलेबस पे, स्टडी आई को अकेडमी में डाल सकते हो, यदि नहीं मिलता है तो स्टडी आई को अकेडमी में डाला हुआ है, इसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये पूरा सिलेबस आपको पता लग जाएगा। हेलो, ये देखिएगा स्टडी आई को अकेडमी स्वागत, ये पूरा सिलेबस आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा पूरा डिटेल के साथ है सिलेबस यहाँ पर, ये देखिएगा पूरा पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पी, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल लिखी हुई है इसमें, हर डिटेल है, हर टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग, तो दोस्तों इस सिलेबस को आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिलेबस क्या है, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप यदि मान लो पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपका यहाँ पर भी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो क्या टॉपिक रह रहा है, ये सारा अंदाजा लगा सकते हो आप इस सिलेबस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं सिलेबस का, और इस PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।